गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको आपकी पुस्तक का पाठ नंबर 4 अति लोभो न कर्तव्य पढ़ाएंगे। बच्चों, इसमें एक राजा की कहानी है जिसके मन के अंदर लालच समा जाती है, जिसकी वजह से उसको उसका परिणाम भोगना पड़ता है। एकस्मिन देशे कश्चित राजा आसीत। एक देश में कोई राजा रहता था, तस्य नाम मायादास, उसका नाम मायादास था। अतिलुब्धः सह दरिद्रः एव जीवनम नयति स्म। बहुत लालची होने के कारण वो एक दरिद्र के गरीब के समान अपना जीवन बिता रहे थे। एकदा को अपि मुनिः मायादासस्य प्रासादम् अगच्छत्। एक बार कोई मुनि मायादास के महल में आ गए। निपतिः तम मुनिः सत्कारेण तोषयत्। तो राजा ने अपने सत्कार से मुनि को संतुष्ट किया, अर्थात उनका बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया। नृपतिनां संस्कृत सत्कृतः संतुष्टः मुनि अवदत् नृपते स्व अस्ते अस्तुते अभिष्टम वरम वरे इति। नृप के सत्कार से संतुष्ट मुनि बोले, हे राजा, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम जो भी मांगना चाहते हो वो मांग लो। मुनि नैव मुक्तः सह भूपति लोभेन प्रेरितः वरम आयचत। जब मुनि ने ऐसा कहा तो लालच से प्रेरित राजा ने वर मांगा। क्या वर मांगा? मया स्पृश्यमानः पदार्थ सौवर्ण भवन्तु इति, कि मैं जिन पदार्थों को छूं तो वह सब चीज़ें सोने की बन जाएं। तथास्तु इत्युक्त्वा मुनि अंतर्हितः। तथास्तु, ऐसा कहके मुनि अंतर्ध्यान हो गए। मुनेः वरं लब्ध्वा गृहं प्रविष्टः मायादासः तत्र स्थितानि वस्तूनि अस्पृश्यत्। मुनि से प्राप्त वर को प्राप्त करके मायादास ने घर में प्रवेश किया और वहां पे स्थित सभी वस्तुओं को छूने लगा। तेन स्पृष्टानि वस्तूनि सदैव एव सौवर्णानि जातानि। और जैसे जैसे वो उनको छूने लगे चीज़ों को, सभी चीज़ें सोने की होती गईं। तद्दृष्ट्वा सह नित राम तुष्यत। और ऐसा जब वो देखता राजा तो बहुत ही संतुष्ट होता। ततः तस्य महती पिपासा जाता, और उसके बाद उसको बहुत तेज से प्यास लगी। सह जलम पातुम उद्यतः अभवत्। तो वो जल पीने के लिए परेशान हो गए। तेन स्पृष्टम जलम अपि सुवर्ण पिंड पिंडम अभवत्। उनके छूने से जल भी सोने का पिंड बन गया। साधु तम न मृषा भवति। साधु ने जो कहा वो झूठा नहीं था, अर्थात साधु ने सत्य कहा। तस्मिन् अवसरे राजकुमारी कुसुम मंजरी आदाय तत्र आगतः। उसी अवसर राजकुमारी फूलों की मंजरी लेकर वहाँ आ गई। पिता अतीव सुंदराणि इमानि कुसुमानि इति च अवदत्। पिताजी, ये फूल बहुत ही सुंदर हैं। नृपतिः ताम मंजरी करेणा दिशत। राजा ने अपने हाथों से उन मंजरी को छू लिया। तेन स्पृष्टा मंजरी सुवर्णमयी जाता, और उनके छूने से मंजरी भी सोने की हो गई। तद् दृष्ट्वा कुमारी दुखितः अभवत्। ऐसा देखकर राजकुमारी बहुत दुखी हुई। सुताम समाश्वासयितुं प्रवृत्तः स मायादासः ताम अंगके उपवेशयति स्म। बेटी को समझाने के लिए मायादास ने उसको अपने गोद में बिठा लिया। हंत कुमारी सुवर्ण प्रतिमा संजाता। अरे ये क्या, राजकुमारी भी सोने की हो गई। मायादासः शोकेन च शोकेन उच्चै व्यलपत। मायादास शोक से तेजी तेजी से विलाप करने लगा, अर्थात रोने लगा।
तदा भाग्यात् स एव मुनिः नृपते पुरतः प्रत्यक्षम् अभवत्। तभी भाग्य से वही मुनि राजा के महल में सामने प्रकट हो गए। मायादास तम प्रणम्य महर्षे, मायादास ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, महर्षि कृपया दत्तम वरम निर्वतयतु, कृपया जो आपने मुझे वर दिया है इसको वापस ले लीजिए। इयम कुमारी मव जीवितम स्यात् इति निवेदयत्, यह मेरी बेटी मेरा जीवन है, मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ। महर्षि अवदत्। महर्षि बोले, मायादास त्वया सुवर्णस्य महतम गणितम, मायादास तुम सोने का महत्व समझ गए हो, वस्तुतः तत् तुच्छम, अब तुम्हें समझ में आ गया है कि वह केवल तुच्छ है। उद्यानात जलम आनय, जाइए और उद्यान से जल लेकर आइए। तेन जलेन सिक्तानि वस्तूनि पूर्णाम अवस्थां प्राप्स्यन्ति, और उस उद्यान के जल से वस्तुओं को सींचिए जिससे कि वस्तुएं पुरानी स्थिति में वापस आ जाएंगी। इति उक्त्वा मुनि तत्रैव अंतर्हितः, और ऐसा कह के मुनि अंतर्ध्यान हो गए। मायादास उद्यानात जलमानयत, मायादास गए और उद्यान से जल ले आए। तेन जलेन सिक्तानि सौवर्णानि वस्तूनि स्वां प्रकृतिं प्राप्तानि, और जैसे ही उस जल से वस्तुओं को सींचा गया सभी वस्तुएं अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ गईं। राजकुमार अपि मंदम हस्ते पितुः मानसम तोष्यत सत्यम उक्तम, राजकुमारी भी मंद मंद हंसी करते हुए राजा के मन को संतोष दिला रही थी। और सत्य ही कहा गया है, अति लोभो न कर्तव्य सहतु दुखस्य कारणम, हमको बहुत लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि यह दुख का कारण बनता है। बच्चों, इस तरह से आपने ये पाठ पढ़ा। अब आपको इसके शब्दार्थ अपनी कॉपी में करने हैं।